प्यारे बच्चों नमस्कार, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। और बेसिकली आज हम लोग एक स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करने वाले हैं। जल्दी आरजीपीवी के एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले हैं, आरजीपीवी के एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले हैं बच्चों, और फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं वो अभी इस एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी चिंतित होंगे, बिकॉज एग्ज़ाम बहुत ही निकट हैं और समय काफ़ी कम बचा हुआ है। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 जो है, यानी कि मैथमेटिक्स 1 के नाम से जिसे जाना जाता है और जिसका कोड पेपर कोड है BT1002 इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, राइट। और अब क्योंकि बीटेक कोर्स हो गया है आरजीपीवी, और जो फर्स्ट ईयर का बच्चा है जब चार साल बाद अपनी डिग्री लेके निकलेगा तो उसको बीटेक की डिग्री मिलेगी, जबकि इससे पहले वाले जो बच्चे हैं उनको बीई की डिग्री मिलेगी। अब चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम भी चेंज हो गया है और अब चॉइस बेस्ड ग्रेडिंग सिस्टम हो गया है। तो आप लोगों को चॉइस बेस्ड ग्रेडिंग सिस्टम में एग्ज़ाम देना है। अभी एग्ज़ाम के पैटर्न को लेके काफ़ी कुछ भ्रांतियां हैं, दो तरह की बातें सुनने में आ रही हैं कि ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को 8 क्वेश्चन आए और 8 में से 5 करने को मिले, और ऐसा भी सुनने को आ रहा है कि आप लोगों को यूनिट वाइज पेपर आएगा और हर यूनिट में आप लोगों को ABCD ये 4 क्वेश्चंस रहेंगे, डी में इंटरनल चॉइस रहेगी और ABC कंपलसरी रहेंगे। लेकिन एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर मैं आप लोगों के आपसे बाद में बात करूंगा, फिलहाल मैं आपसे स्ट्रैटेजिकली बात करूंगा कि हम लोगों को M1 के सिलेबस को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, है ना। हम किस तरह से M1 के सिलेबस को प्रिपेयर कर लें ताकि हम इतना अच्छा पेपर कर सकें, ताकि हम लोगों को पेपर निकालने में कोई प्रॉब्लम ना जाए। हालांकि इस वीडियो का जो मेन फोकस है वो उन बच्चों के ऊपर है जो बच्चे इस बात से डर रहे हैं कि उनका सिलेबस कैसे प्रिपेयर होगा, वो पेपर निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, और सेमेस्टर भर में शायद उनकी हो सकता है पढ़ाई अच्छे से ना हुई हो, तो वो थोड़ा सा चिंतित हैं। और जो बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं, रेगुलरली सारे काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो यूज़फुल रहेगा। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली हमारा जो सिलेबस है M1 का BT1002, उसको 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है। और यहाँ पर आप लोगों के सामने स्टूडेंट्स हमने क्या किया है, हर यूनिट से जो टॉपिक वाइज है, मतलब कि हर यूनिट से जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को यहाँ पर लिख दिया है। एंड मैं आप लोगों को यहाँ पर जो सलाह देने वाला हूँ वो हर यूनिट से टॉपिक्स को प्रिपेयर करने की सलाह देने वाला हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। यानी कि आपको हर यूनिट से उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले पिक करके उन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लेना है जिन टॉपिक्स से 100% क्वेश्चन बनना ही है, राइट। और हर टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए आपको कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन उस टॉपिक के लगा के देख लेने हैं, तो आप उस टॉपिक में बिल्कुल अच्छा करेंगे, इस बात की गारंटी है स्टूडेंट्स, आप डेफिनेटली अच्छा करेंगे, ठीक है। तो मैं आपसे यूनिट वाइज अब 1 by 1 बात करना शुरू करता हूँ। तो पहले तो स्टूडेंट यूनिट नंबर वन का जो सिलेबस है उसको बेसिकली हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, डिफरेंशिएशन, रोल्स थ्योरम एंड लैग्रांजेस थ्योरम, टेंजेंट एंड नॉर्मल, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट इंटीग्रल। स्टूडेंट्स अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो आप इस यूनिट से, ये मेरी पर्सनल राय है आप सभी को, कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को बहुत अच्छा प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि उसका फायदा आपको आगे भी मिलने वाला है। अगर आपका 11th 12th में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कमज़ोर था तो अभी समय है थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान देकर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को मजबूत कर लीजिएगा, कम से कम डिफरेंशिएशन अच्छा कर लीजिएगा और इंटीग्रेशन इतना कि आप काम चलाओ काम कर सकें, ठीक है ना। नाउ लुक स्टूडेंट्स, इस यूनिट से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से एक क्वेश्चन 100% आना है, राइट। दोनों से एक एक क्वेश्चन बनेगा, रोल्स थ्योरम और लैग्रांजेस से एक क्वेश्चन बनेगा और टेंजेंट एंड नॉर्मल का एक क्वेश्चन बनेगा। नाउ अब आप अपनी सुविधा अनुसार लैग्रांजेस थ्योरम और रोल्स थ्योरम पहले इस टॉपिक को प्रिपेयर करिए, वो इसलिए क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक है, थ्योरम्स के स्टेटमेंट्स हैं और उनके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो थ्योरम्स के स्टेटमेंट्स भी आपको शॉर्ट आंसर में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनको अच्छे से स्टेटमेंट सहित प्रिपेयर करना है, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, केवल स्टेटमेंट प्रिपेयर करिए अच्छे से और उसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लगाइए, राइट। एंड देन इसके बाद टेंजेंट एंड नॉर्मल को प्रिपेयर कर लीजिएगा बच्चों,
है ना, क्योंकि छोटा सा आर्टिकल है, अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, 6-7 क्वेश्चन करोगे तो अपने आप समझ जाओगे कि टेंजेंट और नॉर्मल के क्वेश्चंस करना कैसे है और क्वेश्चन आएगा कैसे। आपको वो डिफाइन करने को भी पूछ सकता है, डिफाइन टेंजेंट एंड नॉर्मल, तो थोड़ी सी थ्योरी भी उसकी प्रिपेयर कर लीजिएगा। हमारे जो यूट्यूब पर वीडियोज हैं उनमें बिल्कुल टॉपिक वाइज और क्लियर कट कंसेप्ट के साथ में आपको चीज़ें समझाई गई हैं, तो आप वहाँ से भी चाहें तो मदद ले सकते हैं। राइट नाउ तो यूनिट नंबर 1 से पहले ये 2 टॉपिक प्रिपेयर करिए। मैं इन 2 टॉपिक्स को इसलिए नहीं प्रेफर किया क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी वास्ट है, क्वेश्चन कहाँ से बनेगा हम नहीं कह सकते, इसलिए आप इनको पूरा पूरा प्रिपेयर करिए, ठीक है। लेकिन अगर आप इनको किसी तरह प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं तो रोल्स थ्योरम एंड लैग्रांजियस थ्योरम प्रिपेयर करना है आपको, टेंजेंट एंड नॉर्मल प्रिपेयर करना है, क्योंकि एक बड़ा क्वेश्चन आपको यहाँ से 100% मिलने वाला है। तो पहली यूनिट से ये 2 टॉपिक आपको पहले प्रिपेयर करना है। नंबर 2, मैं यूनिट नंबर 2 पर आता हूँ बच्चों। यूनिट नंबर 2 में आप मैक्लॉरिन और टेलर्स थ्योरम दोनों ही प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि इन दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो मैक्लॉरिन से या टेलर्स थ्योरम से एक बड़ा क्वेश्चन बनेगा, 100% बनेगा। तो ये दोनों टॉपिक एंड मैक्सिमा मिनिमा ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन, आप लोगों को ये प्रिपेयर करना है टॉपिक। मैक्सिमा मिनिमा से एक बड़ा क्वेश्चन आना ही है, तो ये 2 टॉपिक इस यूनिट से प्रिपेयर करिए आप पहले। राइट पहले मैं उन टॉपिक्स को बता रहा हूं हर यूनिट से जिनको आपको प्रिपेयर करना है, जो इजी पड़ेंगे आपके लिए प्रिपेयर करना। राइट देन इसके बाद में यूनिट नंबर थ्री में यूलर्स थ्योरम फॉर होमोजीनियस फंक्शन, यूलर थ्योरम का स्टेटमेंट, यूलर थ्योरम का प्रूफ और इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, और हर तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको यूलर्स थ्योरम के ऊपर लगाने हैं अच्छे से, और इसके 6-7 क्वेश्चन जरूर लगा के देखिएगा स्टूडेंट्स। देन इसके बाद बच्चों आप लोगों को टोटल डिफरेंशियल कोफिशियंट से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, और आसान सा क्वेश्चन बनता है, ज्यादा टफ नहीं बनता है। आप पहले टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट के कॉन्सेप्ट को समझिएगा एंड देन इसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो करिएगा। लिमिटेड क्वेश्चन ही बनते हैं इसके ऊपर, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बनता है। बुक में भी आप देखेंगे तो 4-5 क्वेश्चन है, इससे ज्यादा है ही नहीं, और उसी पैटर्न के क्वेश्चन बनने हैं, उनको प्रिपेयर कर लीजिएगा। राइट नाउ मैं यूनिट नंबर 4 पे आता हूं बच्चों। यूनिट नंबर 4 में बीटा और गामा फंक्शन की प्रॉपर्टीज और उनकी डेफिनेशन, इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि छोटी छोटी प्रॉपर्टीज शॉर्ट आंसर में आ सकती हैं। नाउ इसके बाद में इसमें थोड़ा सा ये टॉपिक जो है इंटीग्रेशन के ऊपर बेस्ड है, तो अगर आपको इसमें डिफिकल्टी महसूस होती है तो आप केवल डेफिनेशन और सिंपल प्रॉपर्टीज। राइट एंड देन इसके बाद में 2 डेरिवेशन है इस यूनिट नंबर 4 में, एक है रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन और एक है डुप्लीकेशन फार्मूला। अगर आप इन दोनों डेरिवेशंस को कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, नहीं अगर कर पा रहे हैं तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन बीटा गामा फंक्शन की डेफिनेशन और उनकी सिंपल प्रॉपर्टीज वो कर लीजिएगा बस। राइट देन मैं फिर और नीचे आता हूं बच्चों। डबल इंटीग्रेशन क्या होता है, कैसे करते हैं, अगर सिंपल लिमिट दी जाए, लिमिट निकालना मत सीखिएगा, अगर लिमिट दी गई है और उनको कैसे करना है बस इतना समझ लीजिएगा। राइट यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप कर पाए इंटीग्रेशन, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, वाई के रिस्पेक्ट में करना है, लिमिट्स कैसे लगानी है, ये अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है ना। ट्रिपल इंटीग्रेशन अगर सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए, लिमिट दी हुई हो तो उसको कैसे इवैल्यूएट करना है, जेड के रिस्पेक्ट में, वाई के, एक्स कैसे करना है, इसको कर लीजिएगा बस, दैट्स ऑल, है ना। ज्यादा डीप में मत जाइएगा, पहले डबल इंटीग्रेशन सॉल्व करना, ट्रिपल इंटीग्रेशन सॉल्व करना, अगर सीधा सपाट क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करते हैं, पहले इसे करिएगा। तो इतना पहले करिए आप, वो बच्चे भी जिनको 70 out of 70 लाना है और वो बच्चे भी जिनको पेपर केवल क्लियर करना है, तो पहले आप इतना 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 काम करिए हर यूनिट से, और बिना डर के बिना किसी भय के आप तैयारी करिए ये सारी, है ना। राइट आसानी से प्रिपेयर हो जाता है। YouTube पर हमारे वीडियोस हैं, वो आपकी मदद के लिए हमेशा अवेलेबल हैं, और आपके नोट्स होंगे आपके पास में, आपके पास किताबें होंगी, उनकी मदद जितनी ले सकते हैं आसानी से आप लीजिए और करिए। तो जब बच्चों आप इतना टॉपिक प्रिपेयर कर लें तो उसके बाद जो बचे हुए टॉपिक हैं
उनमें से जो आपको आसान लगे आप उन टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हैं। ये जितने टॉपिक के ऊपर स्टूडेंट्स मैंने टिक मार्क किया है, इन टॉपिक से 100% क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, और ये टॉपिक आप लोगों को आसानी से पेपर क्लियर करवा के लगभग 40 मार्क्स तक लेके चले जाएंगे, 40 मार्क्स आउट ऑफ 70। अब 70 तक पहुंचने के लिए जो टॉपिक्स मैंने छोड़ दिए हैं उन टॉपिक्स को आप प्रिपेयर करिए, ठीक है ना। लेकिन पहले इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है और हर टॉपिक के लिए कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन लगा लगा कर देखने हैं, ओके। और 5 से 7 क्वेश्चन लगाने का मतलब ये होता है कि आप ऐसे मत करिएगा कि सामने शिवानी खुली हुई है या बुक खुली हुई है या नोट्स खुले हुए हैं और उसमें से देख देख के लगा रहे हैं। नो, पहले बुक उठाइए या नोट्स उठाइए, टॉपिक को समझिए, पूरे क्वेश्चंस 6 से 7 लिस्ट बनाइए, ठीक है ना, और उन क्वेश्चंस को समझिए पहले, एंड देन बिना देखे प्रैक्टिस करिए। और पूरा का पूरा क्वेश्चन आपसे बिना देखे बनना चाहिए, आपको मदद नहीं लेनी है। अगर बीच में आपको मदद लेनी पड़ रही है तो आप पुनः उसको बिना देखे बनाने की कोशिश करिए थोड़ी देर बाद, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस को बिना देखे बनाना सीख जाएंगे तो ही आप पेपर में अच्छा कर पाएंगे, अदरवाइज आप पेपर में भी अटकेंगे, राइट। लेकिन वहां पर आपके पास में कोई मदद नहीं होगी तो वहां पर फिर आप घबरा जाएंगे, तो इसलिए प्रैक्टिस आपकी पहले ही ऐसी हो जानी चाहिए, ठीक है। कम टॉपिक करके जाइएगा लेकिन सॉलिड करके जाइएगा, ताकि अगर वहां से क्वेश्चन आ जाए तो एक नंबर भी उस क्वेश्चन का इधर से उधर नहीं जाना चाहिए, आपको मिलना चाहिए पूरा नंबर। तो इस तरह से टॉपिक प्रिपेयर करिएगा, ठीक है ना। एंड हर टॉपिक जिसको आप प्रिपेयर कर रहे हैं आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा, जब आप प्रैक्टिस करें जो पुराने क्वेश्चन पेपर्स में पूछे हुए हैं, जैसे 2017 जून में कोई पेपर हुआ होगा उसमें जो एग्जाम पेपर क्वेश्चन पेपर आया था उसमें जो क्वेश्चन आए हैं इन टॉपिक्स से उनको सेलेक्ट करिए, और इससे पहले दिसंबर में 2016-2015 इनमें जो जो क्वेश्चन पेपर इस सिलेबस मतलब इन टॉपिक्स से आए हैं उन क्वेश्चंस को लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। इससे पहले जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम था स्टूडेंट्स, सिलेबस आपका जो ग्रेडिंग सिस्टम में चल रहा है सेम है, देयर इज नो चेंज इन द सिलेबस। तो आप चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का जो क्वेश्चन पेपर आया है और उस क्वेश्चन पेपर में इन टॉपिक से जो क्वेश्चंस आए हैं उनको भी आसानी से देख सकते हैं और उनको कवर कर सकते हैं। तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में इन टॉपिक से जो क्वेश्चंस आए हैं उनको लगाइए और इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करिए, एंड देन इसके बाद में फिर एक्स्ट्रा टॉपिक्स को प्रिपेयर करिएगा। फिर जो आपकी सुविधा हो जितना आप कर सकें ज्यादा से ज्यादा उन टॉपिक्स को प्रिपेयर करिएगा, लेकिन जितने टॉपिक करें उनको सॉलिड करना है। और ध्यान दीजिएगा बच्चों, पास होने के लिए हर यूनिट से मात्र 1 या 2 टॉपिक आपको प्रिपेयर करने हैं, दैट्स ऑल, इससे ज्यादा नहीं। मैंने जिन टॉपिक्स के ऊपर सर्कल किया है आप केवल इतने टॉपिक कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा हार्डली आप 6 टॉपिक, अगर 6 से 7 टॉपिक पढ़ के चले गए पेपर में, और आई थिंक मैंने जितना टिक किया वो इतना ही है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6, 7, 8, 9, 10, मैंने 10 टॉपिक्स के ऊपर टिक मार्क किया है। आप इनमें से मात्र 7 टॉपिक कर लीजिए, आपका पेपर स्मूथली क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर ज्यादा मार्क्स के लिए जितना ज्यादा आप पढ़ सकें उतना पढ़िए। तो ये तो थी स्ट्रैटेजी बच्चों M1 के पेपर को क्लियर करने की, ठीक है ना। अब मैं आपसे बात करूंगा कि एग्जाम पैटर्न जो है वो कैसा आ सकता है, ठीक है, आपके फाइनल एग्जाम में। ये पहला पेपर जब आप देंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। एग्जाम पैटर्न के ऊपर मैं आपसे बात करूं उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप नॉट इन मैथमेटिक्स सारे पेपर्स में टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करिएगा, ठीक। क्वेश्चंस प्रिपेयर करने की कोशिश मत करिएगा कभी भी, कम से कम मैथमेटिक्स में क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे तो धोखा होगा हमेशा। टॉपिक प्रिपेयर करिए और उन टॉपिक को पकड़िए जिनसे क्वेश्चन बनता ही है, ठीक है। तो टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा तो क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा, क्योंकि अगर इधर उधर क्वेश्चन आया भी तब भी आप कर पाओगे। तो टॉपिक को समझो, क्वेश्चन को नहीं। क्वेश्चन के पीछे भागोगे तो बैक लगने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन अगर टॉपिक को प्रिपेयर करके जाओगे तो डेफिनेटली आपका पेपर निकलेगा बहुत अच्छे से और आसानी से निकलेगा। और यही स्ट्रैटेजी आप बाकी के पेपर्स में भी अपनाइए। हर यूनिट से उन टॉपिक्स को सिलेक्ट करिए जिनसे हमेशा क्वेश्चंस बनते ही हैं,
और जिन टॉपिक्स से क्वेश्चंस बनते ही हैं उन टॉपिक्स को यहां पर मैंने सर्कल कर दिया है आपके M1 के लिए कम से कम। तो आप इनको प्रिपेयर करिए और आराम से रिलैक्स हो जाइए कि आपका पेपर निकलेगा ही निकलेगा। घबराइएगा मत, डरिएगा मत, क्योंकि घबराहट में और डर में कभी भी अच्छी प्रिपरेशन नहीं होती है, ठीक है ना। ये सोच के चलिए आप कि भाई जब तक पेपर आपके हाथ में नहीं आया है तब तक डरने की आवश्यकता ही नहीं है कुछ, ठीक है ना। जब अच्छा और बुरा दोनों सोचने के विकल्प अभी मौजूद हैं हमारे पास में, तो क्यों ना हम अच्छा सोचें कि मेरा पेपर निकलेगा, मेरा पेपर निकलेगा, क्यों मैं डरूं, क्योंकि अभी मेरे पास समय है, पढ़ने का समय है, तो मैं पढ़ूंगा, पेपर अपने आप निकल आएगा। इसलिए नेगेटिव विचार अपने दिमाग को मत आने दीजिए, पॉजिटिव विचारों को ही अपने अंदर बनाए रखिए कि आपका पेपर निकलेगा, आपका पेपर निकलेगा, आपका पेपर निकलेगा, ठीक है ना। जब भी नेगेटिव विचार आए तो अपने आप को समझाइएगा कि मेरा पेपर निकलेगा निकलेगा निकलेगा, राइट। वो थ्री इडियट्स में वो जो आल इज वेल बोलता है ना, बस वो बोलते रहिए अपने आप को, है ना, डरने मत दीजिए अपने आप को, राइट। तो ये काम करते रहिए और धीरे धीरे प्रिपरेशन करते रहिए, आप देखिएगा आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन होगा, इट्स माई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू। अब चलिए आइए मैं जरा आपसे एग्जाम पैटर्न के ऊपर बात करता हूँ, राइट। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल।